Hey guys, welcome to another scary video. आज की वीडियो में हम फिर से रिएक्ट करने वाले हैं अपने फेवरेट Ghostbusters पे, Life of Luxury. हम दोनों Ghostbusters को छोड़ के बस एक यही Ghostbusters है जो हमें पर्सनली बहुत पसंद है. अभी फाइनली घर आ गए हैं तो बहुत सारी हॉरर वीडियोस आने वाले. इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से. और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसका नाम है She thought her little brother was dead. मर चुका था उसका भाई, ऐसा उसे लगता था. क्या सच में मर चुका था? लेट्स फाइंड आउट. देखते हैं वीडियो में. ओ भाई, ये लड़की तो मुझे वैसे इतनी ज्यादा सफेद लग रही है जैसे इसको पाउडर लगा दिया हो. तूने इसके भाई का नाम देखा? टिमी. इसका भाई टिमी, हमारी डॉल टिली. दोनों मर चुके हैं हर्ष. ये नहीं करनी चाहिए वीडियो में. चलो देखते हैं. लड़की कह रही है मेरे पापा बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, क्या होने वाला है इस वीडियो. ओह माय गॉड, ये कौन है? ये भाई है उसका? ये कबूतर कौन है? कमिंग सून. कमिंग सून? ये तो टिली जैसी लग रही है मुझे. कह रहे हैं मैं मरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ. पीछे से हाथ देख रही है, किसी ने हाथ से पकड़ा हुआ था उसको. ये इसके पापा है. चल देखते हैं क्या होता है स्टोरी में. लेट्स स्टार्ट. ओ बैक स्टोरी इतनी ज्यादा स्पूकी लग रही है, पता नहीं क्या होने वाला. ओह माय गॉड, अभी कैसे चल रहा था बंदा तंगड़ंग करके. Oh! भाई तुम्हारी टिली से भी ज्यादा डरावना है. क्या जंप स्केयर्स आ रहे हैं यार. जिसने टिली नहीं देखी ना अभी के अभी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, देख जरूर लेना. चलो आगे देखते हैं. चेस्टर पे हमला कर दिया. पिलाई हो रही है. ओ भाई हमला हो गया आज तो इस पे. आज मजा आने वाला है वीडियो में. लेट्स गो. ओके, इनको ईमेल आया है एक लड़की से जिसका नाम था मिली. ये हो क्या रहा है? मिली टिली पिली. एग्जैक्टली आजकल ऐसा मतलब टेलीपैथी से हो रही है. कोई बात नहीं. मिली कह रही है कि उसके भाई की डेथ के बाद ना उसके पापा के बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है. उसके पापा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि बेटा इस दुनिया से जा चुका है. हो जाता है यार. उसके अपीयरेंस में भी कुछ चेंजेस आए हैं डैड के. एग्जैक्टली. वो बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है और उस लड़की को बहुत डर लग रहा है. और उसने एक वीडियो भी भेजी है. ऐसा इसकी वीडियो में क्या होने वाला है? क्या वीडियो भेजी है? मिली के फोन कैमरा. पपेट सा एक लड़का है. उसके पापा देखे, उसके पापा ही लेके आए हैं. अच्छा, उसके पापा उससे तो करवा रहे हैं. कौन नहीं डरेगा इससे? इसके पापा मुझे लगता है शिनचान के बहुत बड़े फैन थे. Are you afraid of me? इसके पापा पपेट शो कराते थे. चल देखते हैं. वो कह रही है कि प्लीज मेरे घर आ जाओ और पता लगाओ कि मेरे पापा ठीक हैं भी या नहीं. आई होप उसके पापा ठीक हो. ओके, निकल पड़े हैं दोनों. उनका सेम वही गेटअप, चश्मा लगाया हुआ है चेस्टर ने. दोनों चेस्टर नहीं है हर, दोनों को तू चेस्टर बोल देता है. नहीं, चेस्टर ने चश्मा लगाया हुआ ना. अभी तक इतनी वीडियोस बना ली, इसको ये नहीं पता कि दूसरे का नाम क्या है. अबे एक का चेस्टर एक का ली है. मुझे याद नहीं आ रहा था. ओके, ये दोनों पहले डिस्कशन करते हैं गाड़ी में हमेशा कि क्या होगा. इनकी जो कार की कॉन्वर्सेशन होते हैं दी बेस्ट. हर्ष मुझे कई बार ऐसे बोलता है प्रेरणा हमें भी ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए गाड़ी में. देखें बड़े इंस्पायर होते हैं. सच में हाँ, फील आती है मतलब गाड़ी में बैठो ना ऐसे हॉरर वीडियो की शूट. हर्ष ने इसी करके तो कैमरा पे एडवांस करा लिया. कह रहा है कि रात को ना फील नहीं आती, सर अच्छे कैमरा में करेंगे. अब ये बातें कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं हम क्या क्या कर सकते हैं. एक तो इसको सारी लड़कियां बहुत अच्छी लगती है. जो देखो जब देखो लड़की बहुत अच्छी लग रही है. ईमेल से पता लग जाता है लड़की अच्छी है. मुझे पता क्या लग रहा है हर्ष, इतने एपिसोड्स बना चुके हैं, गर्लफ्रेंड इसको मिली नहीं तो बेचारा हर एपिसोड में ट्राई करता है शायद कोई अच्छी लड़की तो भूत ना निकले. ओके लेट्स सी क्या होने वाला है. दोनों जा रहे हैं. ओके फाइनली घर आ गए. आई एम एक्साइटेड. आज कौन सा हॉन्टेड हाउस होने वाला है? स्नोफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है? बारिश हो रही है. ये तो मुझे कोई एलिजाबेथ वाला ऐसा वाला विक्टोरियन एरा का घर लग रहा है. टिली का है? टिली नहीं, टिली लिली टेनी. ओह ये कैसी आवाज आई. अबे ये भूतनी लग रही है मुझे तो. यार मेकअप ऐसा करा हुआ है लड़की ने. मिली पोजेस्ड है. एक मिनट, मिली मेल में लिखती है पापा गंदा बिहेव कर रहे हैं. मिली खुद कौन सी नॉर्मल है? मुझे तो यही लग रही है भूत. भाई इसकी शक्ल और हरकतें. भाई ये लोग इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? अंदर भी चले जाते हैं कि हम आ गया. वो आने नहीं दे रही. मुझे इनका समझ नहीं आता है, तो बुलाते हैं और फिर अंदर भी नहीं आने देते. मेल करके बुलाया फिर आने नहीं दे रही. कह रहे हो क्या रहा है? इसको लड़की पसंद करनी थी ना. लड़की को लड़का पसंद नहीं. ऑलराइट क्या होने वाला है हर्ष? मिली ने फाइनली बता दिया है वही सेम कॉन्वर्सेशन कि उनका बेटा जो था वो मर गया. इस वजह से डैड जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसको बहुत अजीब अजीब आवाजें आती है वर्कशॉप में से. डैड पता नहीं ऐसा क्या काम करते हैं कि उनको आवाजें आती है. पपेट बनाते हैं ना यार वो. एग्जैक्टली. यार ये तो चांस मार रहे हैं लड़की में. तू तो एक्सेप्ट कर ले पहले मिली. तू तो खुद एक्सेप्ट. अरे बड़ी होगी. ये कौन आ गया? What is that? खून भी आ रहा है उसके पपेट के मुंह से. यही तो करते हैं वो, पपेट बनाते हैं. लड़की की हालत देख. Hey guys, it's me, Timmy. पापा ने ना एक पपेट रख लिया अपने पास अपने बेटे के नाम का और वो बेचारी लड़की को परेशान करता रहता है. अब ये मेरे को लग रहा है ये फेंक देगा पापा उसको. पापा की हरकतें देख. Peekaboo.
भाई ये क्या यार, भाई पूछ रहा है कौन हो तुम सब, प्लीज स्टॉप। बेचारी कितनी ज्यादा अजीब फील कर रही होगी। ओ भाई कह रहा है मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलना चाहते तुम, आओ भाग्य 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 चला गया चला गया चला गया। पापा जी नहीं दिखे पर चेस्टर और ली की हालत बुरी हो चुकी है। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं इतने ज्यादा खतरनाक साए का हमने सामना आज तक नहीं किया। अब मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे वैसे भी गर्लफ्रेंड बनानी है, तो प्लीज गिव मी अ चांस, मैं तेरे पापा वर्कशॉप देखना चाहता हूँ। चलो उसकी गैराज चेक करते हैं। कह रही है पर कोई पंगा नहीं लेना, डैड कुछ भी कर सकते हैं, अगर हाथ लगा तो हाथ तोड़ भी दे सकते हैं। चलो चेस्टर लेट्स गो। बड़ी हिम्मत यार इनमें। वो बंदी वहीं बैठी है ऐसे भूतों बन के। ऑलराइट वो उनकी वर्कशॉप के अंदर आ चुके हैं और वो उसको फिर से वार्न कर रहा है ली। भाई चेस्टर मना कर रहा है बट वो जाए जा रहा है। पपेट से डरे जा रहे हैं, पपेट में डरने वाला क्या था भाई? यार वियर्ड हो सकता है ना इनके घर परिवार में। पहले तो इनको अपना मन बना के आना चाहिए, हेल्प करनी है नहीं करनी, अगर नहीं करनी तो ऐसे फालतू में आजकल है ना आपस में लड़ने लग जाते हैं। एग्जैक्टली मेरे को लग रहा है कि इसको गर्लफ्रेंड बनानी है, इसका तो एजेंडा क्लियर है, तो अब जा रहा है और देख रहा है उसकी हेल्प करना चाह रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ आती, लाइट जला लो यार, यहाँ पे लाइट है तो सही, बल्ब था। इनके घरों में लाइट नहीं होती, ये बिजली का बिल नहीं भरते। ओके फाइनली उसकी वर्कशॉप के अंदर एक कैमरा फिट कर रहा है। ओह और मुझे इसको ही देख के तब डर लग रहा है, पूरी आंखें गाड़ दे कैमरा में। ये देख पपेट बनाता है, मैं कह ही रहा था किस लेवल का डीमन वाला पपेट बनाता है यार ये बंदा। डोंट टच हिज स्टफ, मना किया था उसने लड़की ने कि मत टच करना, आप देखियो पंगा होगा। ओ भाई उसका दिल विल किडनी सब बनाई हुई है उसने, देख। हाँ मुझे लग रहा है उसने पपेट की पूरी बॉडी असेंबल कर रहा है वो, भाई अभी जिंदा हो जाएगा। उसने उसके अंदर आत्मा डाली है, वैसे इसको डर लग रहा था, अभी आके अंदर ये क्रॉसवर्ड भी खेल रहा है। मेरे को बचपन में इतना मजा आता था क्रॉसवर्ड खेलने में। तो भी वियर्ड है इसीलिए मैंने इसको जोड़ दिया है। ये अपने आप को इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? ओके फाइन मैंने क्रॉसवर्ड सॉल्व कर दिया, चल सकते हैं। भाई ये ना पता है बना के चला गया, अभी जिंदा हो जाएगा बता रहा हूँ। जिंदा हूँ मैं किसके लिए? ये बहुत पंगे ले रहे हैं मैं बता रही हूँ हर्ष, आज इनका ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद ये आखिरी वीडियो है। ओ पपेट से बातें कर रहे हैं उसके पापा अभी भी बैठ के। ओ शिट ओ पपेट ने तो मेरे जैसी कैप भी पहनी हुई है, बेसबॉल वाले मेरे जैसी टी-शर्ट भी है, बेसबॉल के कपड़े पहने हुए हैं। यार तू ही तो वो नहीं है ना पपेट? या या यो यो हनी सिंह। पपेट ने देख लिया उनको, पपेट उसको बता रहे पापा को कि वो चश्मा वाला मेरे को देख रहा है। देखो अबे कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया। तूने पापा की शक्ल नहीं देखी? पापा ने शक्ल दिखाई नहीं। पापा की शक्ल पापा जैसी नहीं है, पपीता जैसी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग क्यों? यार ये पंगे लेते हैं, ये किसी की हेल्प। अबे तो दो ही हाथ होंगे ना, वो कह रहा है उसके दो हाथ हैं। नहीं वो कह रहा है उसके हाथ ही नहीं है, है? He has no hand. हर्ष बहुत गड़बड़ है इस घर के अंदर, चेस्टर और ली को बचाना चाहिए हमें। Oh my God, खुलते ही फूटेगा बम। कुछ नहीं है हर्ष, इतना क्या हो गया तुझे, इसके 5 रुपए काटे हो रहे ओवर एक्टिंग के। ये देख ये इसको बचाने आया है, ये खुद पोजेस्ड लग रही है, मैं कह रहा हूँ भूत इसके अंदर है। बिल्ली से बात कैसे कर रहे हैं ऐसे? हेलो अभी चुटकी नाई, अभी चुटकी नाई। अबे मिली की आंखें ब्लिंक ही नहीं कर रही है, तो इसको पजेस कर लिया एक्चुअल में। Really worried right now, I don't know. कह रही है मेरा दिमाग खराब है। अबे इधर देख के बात कर, हम इधर हैं। फाइनली वो उससे बात करके अब अपने रूम में चले गए और कह रहे हैं कि चल अब कल बात करते हैं। उन्होंने कैमरास वगैरह इंस्टॉल कर दिए हैं, अब सुबह देखेंगे फुटेज क्या है। अच्छा ये कितने श्योर होते हैं कि जिस रूम में इन्होंने कैमरा लगाया है वहीं पे भूत कैप्चर होने वाला है? वैसे तो पूरे घर पे लगाते हैं, आज देखते हैं क्या कर रहे हैं। यार सच में उसका हाथ, मैंने देखा उसका हाथ था। अभी आगे देखे उसके पापा अटैक करेंगे तब तू देख ले दोबारा से। वो हमेशा बेचारा बोलता है बूंदू की हमें निकलना चाहिए यहाँ से, ये सुनता ही नहीं है बंदा, ज्यादा ही हेल्प करना चाहता है भगवान का बंदा। दोनों जा चुके हैं सोने के लिए। सो मत ना यार, तुम्हें तो पहरा देना चाहिए। उनके कैमरा दे रहे ना पहरा, अभी कुछ होगा और उठ के भागेंगे। 12 बजने वाले, इट्स अबाउट टू बी 12 PM। बस 12 बजे तो भूत आता है। यार सेम से घर होते हैं हर वीडियो में। पापा लगे हुए हैं पपेट के साथ, पपेट बातें कर रहे हैं। I wanna play, Dad. यार उसका बेटा जिंदा है मैं बता रहा हूँ, उसकी आत्मा पपेट में चली गई है। वो डैड देखना, मुझे तो डैड में ही कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे मिली लग रही है, डैड नहीं है। Come on, मिली थोड़ी ना होगी यार, कोई बहुत शॉकिंग चीज होने वाली है। देखिए यहाँ डॉल सो रही है, डॉल है ये जो सो रही है। तू श्योर है कि ये मिली नहीं है? अब उसके डैड के हैंड है, देख दोनों डैड ने देखियो बच्चे को कैसे और सर से उठा के रखा, ऐसे कौन से डैड रखते हैं। और डैड तो गंजा है, मिली के तो बाल है। इसके भी तो बाल थे। नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। 1 बज गए, डैड लगे हुए हैं, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं डैड। यार ये कैसे हुआ? पपेट तो हिल ही रहा है तब से। पर मुंडी कैसे हिलाई? वो तो पापा हिला रहे थे ना इतनी देर से। नहीं बातें कर रहे हैं पपेट, पपेट में आत्मा है। द शॉकिंग थिंग इज नॉट पपेट का मूव करना, शॉकिंग थिंग इज डैड क्या कर रहे हैं उसके। देख देख देख
नहीं यार पपेट वो हिला रहा था, पपेट को भूख लग रही है, खाना खा रहा है। पपेट को भूख लग रही है, ओ बॉय ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहा है यार? एनिमेशन है। ओ तेरी टांड फोड़ दी पापा की। कैसा पपेट है? एक तो पापा ने उसे जिंदा किया और उसने पापा, ये क्या हुआ? कहाँ गायब हो गया? पापा गए, पापा गॉन। पपेट कहाँ है? मुझे पपेट की चिंता हो रही है। अबे पपेट ने पापा को टांड तोड़ी, अब वो अपनी बहन की टांड तोड़ने जा रहे हैं। इन दोनों की तोड़ेगा मैं बता रहा हूँ। पापा गए, पापा नहीं बचे। सो गए। भगवान पापा की आत्मा को शांति दे। अरे सोए हैं। पपेट आ गया, ये अटैक करेगा। इट्स गोइंग टू बी अ पपेट अटैक नाउ। उठा इनको, सोते रहते हैं। दरवाजे में घुस गया। यार आज तो अपनी बहन को नहीं सीधा इनको अटैक करने आया है। मैं कह ही रहा था उसको इनके साथ खेलना था ना, इसने मना कर दिया था। ओ शिट, क्या हुआ? कट हो गया एकदम अपने आप। 2:07 अभी भी सो रहे हैं। क्या करके गया था वो यार? I think वो चेस्टर में घुस गया। नहीं, उन्हें आवाजें आ रही हैं। What is it, bro? कीकली खेल रहा है वो? No, dude, let's get out. कह रहा है चलो यार, चलो कुछ तो पंगा है, बहुत आवाजें आ रही हैं। क्या होगा यार? बेचारी बच्ची बची होगी। मिली की हंसने की आवाजें नहीं आ रही तुझे? भाई भाई बहन मिल गए और दोनों खेल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कीकली खेल रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल। ये देख, ये पपेट क्या ऐसे ही खड़ा रहता है क्या? इसमें आत्मा किसने फूकी है? इसको खेलना है यार, खेल लो ना एक बार, क्या फर्क पड़ता है? ये तेरे भूतो आदमखोर की तरह हम पे अटैक करेगा? चेस्टर फंस गया। चेस्टर को ले गया। ये पहली बार चेस्टर पे अटैक हुआ है बुरी तरह। चेस्टर बोल भी रहा था ली। बचा यार चेस्टर को। He's my favorite, उसका चश्मा इतना जबरदस्त है। चेस्टर को कैसे पकड़ा उसने? लंबे हाथ करके, कानून के हाथ। वो लटका कहाँ हुआ है हवा में? ओ भाई भाई उसने फाइनली किक मारी। चश्मा भी गया उसका। चश्मा उठा लियो। ओह शिट, वो तो पपेट गो। चेस्टर बड़ा कूल हो रहा है। फुल ऑन अटैक हो चुका, पपेट अटैक। भागो पपेट अटैक से, बचो। अबे मिली को छोड़ो, अपने घर जाओ, अगली वीडियो नहीं आ पाएगी तुम्हारी। कह रहा लेट्स जस्ट गो होम। कह रहा गई मिली अपने घर। मिली को उठाओ, ले जाओ अपने साथ। मिली को छोड़ो, अपने घर जाओ। यार ये चीटिंग है यार, ये क्यों आते हैं? बस अपनी वीडियो बनाने आते हैं। ठीक है बचे ना वो, मिली तो वैसे ही पोसेस्ड है, उसकी बहन उसको कुछ नहीं कहेगा। एटलीस्ट देख तो लेते एक बार, कर्टिसी दिखा। नहीं, नहीं, क्या नहीं, हुआ नहीं, मिली सही को? किया यार, शुक्र है घर पहुंच गए। ओ चेस्टर एंड ली, आई एम योर फैन। गाइस आप बताओ चेस्टर ली को क्या करना चाहिए था? मिली की जान बचानी चाहिए थी या नहीं? कुछ मिली बहन है उसकी। वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम मिली और हर फादर सिंस, मतलब समझ रहे हैं फैमिली यूनाइट हो गई है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।